कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम को मिली बड़ी सफलता। पांच अंतरजनपदीय चोर गैंग के पांच सदस्यों को किया गिरफ्तार। दो अवैध तमंचा कारतूस सहित चोरी के जेवरात किए बरामद। 13 दिसंबर को कालपी के मीनौर गांव में चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। जालौन जनपद के उरई पुलिस व एसओजी टीम को मिली बड़ी सफलता। पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने मामले का खुलासा किया है। उन्होंने बताया है, पांच अंतरजनपदीय चोर गैंग के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से दो अवैध तमंचा कारतूस सहित चोरी के जेवरात बरामद किए गए हैं। देखिए, ये कोतवाली पुलिस और एसओजी सर्विलांस की टीम ने कुल पांच अभियुक्तों की पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी की है। इनकी गिरफ्तारी कुइयां खड़का कानपुर झांसी हाईवे के पास से ओवर ब्रिज के नीचे से पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी की गई है। और इन पांचों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ हुई है, जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार इन लोगों ने घटना जो कालपी मिनौरा में एक 457-380 का मुकदमा हुआ था, 13 दिसंबर को एक FIR लिखी गई थी, जिसमें घर के अंदर में नकबजनी करते हुए लोगों ने चोरी की थी, तो उसी घटना का अनावरण हुआ है। ये लोग जब पकड़े गए तो समय ये लोग आपराधिक साजिश कर रहे थे और फिर से ये किसी चोरी या लूट के प्रयास में थे। उसी समय पुलिस की टीम से इनका मुठभेड़ हुआ और इनके पास से जो बरामदगी हुई है, कुल पांच अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक अभियुक्त जो है वो महोबा का रहने वाला है, बाकी अन्य चार अभियुक्त हमीरपुर जनपद के रहने वाले हैं। चार अन्य वांछित भी हैं इस घटना में, जो इन्होंने चोरी की घटना की है। कुल 9 लोगों के द्वारा ये घटना की गई थी, बाकी चारों की भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। इनके पास से एक स्पेशल कार बरामद की गई है, एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है, तमंचे बरामद हुए हैं, पीली धातु के हार, मंगलसूत्र इत्यादि बरामद हुए हैं, कुछ सफ़ेद धातु के भी दो जोड़ा पायल बरामद हुआ है। इनके पास से नकदी 1700 रुपये बरामद की गई है। तो इस तरह से इनके पास से फोर व्हीलर टू व्हीलर के अलावा जो है ज्वेलरी और तमंचे बरामद करते हुए इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। इनके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। और इसमें विशेष गौर करने वाली बात यह है कि सब नई उम्र के लड़के हैं, यद्यपि इनका आपराधिक इतिहास पुराना है जनपद हमीरपुर का, लेकिन काफ़ी जो है यंग लोग हैं और अभी एक दो साल से लगता है कि इनका आपराधिक इतिहास प्रकट हो रहा है। आगे और अन्य पूछताछ की जाएगी, विवेचना में जो भी चीज़ें प्रकाश में आएंगे अब लगभग 7 साल की जाएगी। अन्य जनपदों में और सारे आरोपी जो है जनपद के हैं कि स्थानीय लोग भी इसमें शामिल नहीं? अभी तक जो पूरी घटना का प्रकाश में आया है उसमें हमीरपुर के हैं और एक महोबा का है। कुल 9 लोगों का नाम प्रकाश में आया है जो चोरी की घटना में है, जिसमें 5 गिरफ्तार हो गए हैं अभी और 4 अभी अन्य फरार हैं, उनकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और आगे भी। अन्य चोरियों में भी इनका हाथ है इस तरह जनपद में? ये चूंकि अभी जस्ट आज की घटना है कि आज मुठभेड़ के बाद इनकी गिरफ्तारी की गई है और विवेचना जारी है, इनसे और पूछताछ की जाएगी, इनके पुराने मूवमेंट को ट्रैक किया जाएगा और जानकारी इकट्ठा कर देखा जाएगा कि इन्होंने और कौन कौन सी घटनाएं की। सर, जिस प्रकार से जनपद